वेलकम यू फ्रेंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजीज ऑफ कोलोकेसिया दाइटोक्रा ब्लाइट द डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा कोलोकेसी ये जो सिम्टम दिख रहा है ये फाइटोक्थोरा से होता है डिजीज अफेक्ट लिप्स पेटियोल्स एंड कॉम्स स्मॉल Dark brown spots appear on the upper leaf surface. These spots mostly first appear on tips and margin of the leaves, where water accumulates. The spots enlarge and become circular, jaunted, and purple-brown in color. As the spots increase in size, they coalesce to each other and quickly destroy the leaves.

जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है पहले जो स्पॉट है वो वाटर सोक्ड दिखाई देता है बाद में ब्राउन कलर का हो जाता है और ये ऐसे जोनेट होता है मतलब कॉन्सेंट्रिक रिंग बनता है जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है अब आते हैं इटियोलॉजी में जो पैथोजन है वो लोअर फंगस होता है इसीलिए इसका जो माइसिलियम है वो नॉन सेप्टेट होता है और हाइलाइन होता है ये है ये है सेप्टेट हाइफी और है नॉन सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी इसमें आप देखिए इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में कोई यहां पर दो न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है लेकिन यहां पर दो न्यूक्लियस पहला दूसरा ये जो दो न्यूक्लियस हैं, वो उनके बीच में एक क्रॉस वॉल है जिसे सेप्टा कहते थ्रू द लोअर फोर है जिसमें स्पोरेंजिया बनता है वो लोअर सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है दे आर अनब्रांच बियर सिंगल सेल्ड हाई लाइन राउंड और ओवल स्पोरेंजिया सो इसका जो स्पोरेंजिया इस है वो कैसा होता है सिंगल सेल्ड हाई लाइन और ओवल या राउंड होता है और एक स्पोरेंजियो फोर में केवल एक ही स्पोरेंजिया बनता है स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट होता है सो ये जूस पोर्स बनाता है ये यहां पर ये स्पोरेंजिया है स्पोरेंजियो फोर है यहां से जब स्पोरेंजिया रप्चर होता है तो जूस पोर्स बाहर आते हैं एक स्पोरेंजिया में तीस से लेके पचास जूस पोर्स होते हैं ये जो एक एक जूस स्पोर्स है ये सिंगल सिंगल इन्फेक्शन करेंगे तो फंगस ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स एंड क्लेमाडो स्पोर्स सो so, ऊ स्पोर्स इज अ सेक्सुअल स्पोर्स और क्लेमाडो स्पोर क्यों बनाया जाता है फंगस द्वारा सर्वाइवल के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब क्लेमाडो स्पोर बनता है अब आते हैं डिजीज साइकिल में पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस्ट एज स्पोर्स एंड क्लेमाडो स्पोर्स ये उस स्पोर्स क्लाइमेडोसपोर्स क्या करेंगे अगले सीजन में इन्फेक्शन करेंगे और ये स्टोमेटा या के थ्रू पौधे में इंटर करते हैं वहां मल्टीप्लाई होते हैं सिम्टम डेवलप होता है और ये स्पोरेंजिया बनाते हैं स्पोरेंजिया से जूस स्पोर्स बाहर आता है और ये जूस स्पोर्स रेन वाटर या विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में या दूसरे फील्ड्स में मूव करता है और वहां इन्फेक्शन करता है कमिंग टू इपिडीमियोलॉजी it require temperature of between 20 to 22 degree centigrade more than 90% relative humidity cloudy days intermittent rain dense planting and poor drainage of soil coming to management we should always adopt integrated disease management practices which includes hot water disinfection of combs crop rotation with non host isolated planting application of calcium magnesium and phosphorus which induce the disease resistance in host add lime material before planting to raise the soil ph soil ph should be 6 to 6.8 application of compost in the field rogue out the infected plant as early as possible To download PDF files, please scan this QR code. Download link is also available in description of video. Please like and share the video and subscribe to my channel. To watch other videos, click the link.